लास्ट टाइम हमने बायोजियो केमिकल साइकिल्स पे डिस्कस किया था उससे पहले हमने क्वेश्चंस देखे थे एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट वन के तो आज क्वेश्चंस देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट टू के ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद पार्ट वन के आंसर्स हम देखेंगे चलिए शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन होगा डॉट डॉट सेंटर्स आर लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस में किसका सेंटर प्रेजेंट होगा ग्रोथ थर्स्ट सैटीटी या फिर बोथ बी एंड सी वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए डी एच ए डी एच का फुल फॉर्म क्या होगा एंटी डिप्लोमोसी हॉर्मोन एंटी डायूरिटिक हॉर्मोन अमाइनोडिफिशेंसी हारमोन एक्वाइस डाईहाइड्रोक्सी एसीटेट क्या होगा देखो सर्च करना है सही ऑप्शन वॉट इज द फंक्शन ऑफ एम एस एच रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इनिशियट लेबर पेन स्टिम्युलेट वॉटर रीएप्सऑप्शन बाई किडनी बोथ बी एंड सी क्या होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक इसमें से किस ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है पिचुडरी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड पैंक्रियाज या फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड पी शेप एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पी शेप एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होगा ब्रेन के बेस में उस एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ग्लैंड मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीनियर ग्लैंड में से बोथ वन एंड थ्री वन टू और फोर टू थ्री एंड फोर या फिर इसमें से कोई नहीं नन नह, नह ऑफ नह दिस विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी एड्रिनोग्लोमेरोलोट्रॉपिन हार्मोन ये सीक्रेट करेगी सेरोटोनिन मेलाटोनिन या फिर सभी के सभी ऑल ऑफ दिस विच इज द पोस्टेरियर लोब ऑफ द पिचुर ग्लैंड पोस्टेरियर लोब कौन सा होगा उसका नाम क्या होगा न्यूरोहाइपोफाइसिस एडिनोहाइपोफाइसिस इंटरमीडिएट लोब या फिर ऑल ऑफ दिस वॉट इज द फैक्ट अबाउट पीनियल लैंड पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए उसमें से फ्यूनियल पीनियल गैंड के फैक्ट्स क्या क्या है ये बताना है लोकेटेड ऑन द रूप ऑफ पीच डीजनरेटिंग इन द चिल्ड्रंस एट द एज ऑफ सेवन इट्स सीक्रेट मेलाटोनिन विच अफेक्ट्स ऑन ऑक्जीटोसिन इट इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड अब ढूंढना है इसमें से सही ऑप्शन बोथ टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री वन थ्री एंड फोर ओनली टू कौन सा सही होगा वो सर्च करना है एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ द पिच्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट विच हार्मोन ऑफ द फॉलोइंग कौन से हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस सीक्रेट करेगा जो कि पिच्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट होगा एसी जीएच पीआरएल या फिर ऑल ऑफ दिस वॉट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूटीनाइजिंग हारमोन ल्यूटिजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होगा स्टिम्युलेटिंग बॉडी ग्रोथ मिल्क प्रोडक्शन रिलीज ऑफ ग्लूकोकोरटिकॉइड्स या फिर नन ऑफ दिस विच डिस इज कॉज्ड बाई ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन इन एडल्ट ऐसा कौन सा डिसीज होगा कि जो ग्रोथ हॉर्मोन का ओवर सिक्रीशन होने के बाद होगा एडल्ट में गेंटिज्म डॉर्फिज्म हैक्रोमेगैली या फिर डायबिटीज विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है इनिशिएट लेबर पेन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड स्टिमुलेट फोलिकल मैचुरेशन विच पिचुरी ग्लैंड लोब सिक्रिट ए सी टी एच ए सी टी एच कौन सा लोब सिक्रिट करेगा पिचुरी ग्लैंड का एडिनो हाइपोफाइसिस सिक्रेट करेगा न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टेरियर लोब सिक्रेट करेगा या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस ये दोनों सिक्रेट करेंगे इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिचुटरी ग्लैंड सिक्रेट विच हार्मोन? इंटरमीडिएट लोब्स कौन से हार्मोन सिक्रेट करेंगे पिचुटरी ग्लैंड के टी एस एच एम एस एच ऑक्जिटोसिन पी आर एल इन से ऑप्शन हैं बूथ टू एंड थ्री बूथ थ्री एंड फोर वन टू एंड थ्री बूथ वन एंड टू च स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट वैसोप्रेसिन वैसोप्रेसिन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है सिंथेसिस ऑफ थारॉयड हॉर्मोन डिफिशियंसी कॉज डायबिटीज इंसपिडस स्टीम्युलेट किडनी फॉर वॉटर रिएब्सॉपशन स्टीम्युलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म प्रमोट रिलीज ऑफ एंड्रोजिन फ्रॉम एड्रीनल कॉटैक्स अब ये पांच स्टेटमेंट दिए पांच स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है ऑप्शन है वन टू एंड थ्री बोथ टू एंड थ्री टू थ्री फोर एंड फाइव सही है बोथ थ्री एंड फोर सही है क्या सही है इनमें से ढूंढना है <coughs> ये थे पार्ट टू के क्वेश्चंस। अब देखेंगे आंसर्स एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट वन के फर्स्ट <coughs> डी

प्रोटीन टेन सी एंडोक्राइन सेल एलेवेंथ ए प्रोटीन ट्वेल्थ सी अपर ऑफ किडनी थर्टीन डी बोथ ए एंड बी फोर्टीन ए थॉमस एडिसन और फिफ्टीन सी वन थ्री एंड फोर चेक करना है आंसर की अगर क्वेश्चन में या फिर ऑप्शंस में कोई भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिएगा ग्रुप में शेयर कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा ऑनलाइन भी आप दे सकते हो और आपका स्कोर शेयर करना ना भूले अगर करेक्ट होगा तो चार मार्क्स देने अगर इनकरेक्ट होगा तो एक मार्क्स काटना है सारे वीडियो देखने के लिए आप इस लिंक पे जा सकते हो नेक्स्ट लेक्चर होगा बायोडाइवर्सिटी पे and all the best for your test.